खबर आजमगढ़ जनपद से, जहां राष्ट्रीय धर्म हिंदू संगठन के संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय श्यामलाल माली हिंदू भाइयों को संबोधित करते हुए कहा, मैं आज आप सभी के बीच में राष्ट्रीय धर्म हिंदू संगठन एवं एनजीओ के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं। संगठन की स्थापना 3 अगस्त 2005 में की गई थी, तब संगठन का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, बिना रजिस्ट्रेशन के ही संगठन को चलाया जा रहा था। उस दौरान हमारा साथ देने के लिए संत कुमार सैनी गोविंद प्रभु जी राजेश भाई मेरे संपर्क में आया और उन्हें इस संगठन के बारे में जो जानकारी दी गई और यह तीनों महारथी ने कहा हमें साथ लेकर चलिए। उसके बाद कारवां चलता रहा। फिर इसी बीच उत्तर प्रदेश से एक ऐसा हिंदू भाई जुड़ा जो लगातार संगठन को आगे बढ़ा रहा है। जी हाँ, वह कोई और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर गांव जखनिया के निवासी पत्रकार धर्मेंद्र पांडे हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में 2006 में अपने पद पर रहकर काफी अच्छा काम किया और संगठन को उत्तर प्रदेश में व जिले में फैला दिया। आज उनके कार्यों को देखकर संगठन ने उनको राष्ट्रीय सचिव के पद पर स्थान दिया और वह अभी काम कर रहे हैं। भारत के कई राज्यों में संगठन के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता कार्यरत हैं, जो अच्छे कार्य कर रहे हैं उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। बता दें 18 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश वाराणसी में चौबेपुर में राष्ट्रीय धर्म हिंदू संगठन के उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं का सत्कार सम्मेलन रखा गया है। उसमें भारी मात्रा में सभी कार्यकर्ता और हिंदू भाई पहुँच कर कार्यक्रम को सफल बनाए।